आज पूरी ब्लॉग का डे 5 है हमारा ब्लॉग, और ये हम पूरी स्टेशन में उतर चुके थे पांचों दोस्त। और यहाँ बहुत ही चिल लग रहा था क्योंकि सामने का स्टेशन बन रहा था और बहुत ही औसम सा व्यू आ रहा था। हमारे पीछे बहुत सारे गाड़ियाँ लगी हुई थी और हमने ऑटो करके यहाँ से आया ट्रेवल बस बुक करने के लिए जाने का निर्णय लिया। यहाँ से सीधे जाते वक्त हम लोगों ने पांचों दोस्त से ट्रेवल बस करने का काम किया क्योंकि हमें नेक्स्ट डे भुवनेश्वर घूमना था। ये एक ही पॉइंट है, उसके अंदर ये सफारी, जू के अंदर ये सफारी, उसके अंदर आपको गाइड लेके जाएगा, आप खुद ही नहीं घूम पाएंगे। जंगल है, जंगल के अंदर सफारी बनाया गया, जू बनाया गया, वो गाइड लेके जाएगा आपको, अंदर सारे जानवर देखेंगे, सारे सब कुछ देख के फिर शाम को कैसा फील हुआ सर? बहुत अच्छा। आप लोग कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने यहाँ से आगे निकलने का निर्णय लिया क्योंकि हमें रूम भी लेना था, तो हम लोग यहाँ पे रूम का बात कर रहे थे क्योंकि हमें रूम अच्छे क्वालिटी का चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने रूम वगैरह देख लिया था। और रूम लेके तो वहाँ पे सामने बीच है, अब बीच का थोड़ा थोड़ा व्यू आ रहा है, अभी दिखाते हैं, अभी सामने ले जाते हैं। पांचों दोस्त यहाँ कम से कम आधा घंटा रूम पे रेस्ट करने के बाद खाना खाने के लिए हम लोग सामने के होटल पे निकल चुके थे, तो औसम सा खाना वाना वगैरह में खा लिए थे। हम पांचों दोस्तों ने खाना वाना खा के रेस्ट करने के बाद सीधे समुद्र की ओर जाने का निर्णय लिया था, तो हम लोग पांचों दोस्त समुद्र जाने के लिए निकल चुके थे और एक गमछा पहन के जा रहा था। क्या बात है भाई, तो पांचों दोस्त यहाँ पे आराम से निकलते हुए समुद्र की ओर, वो थोड़ा सा धूप पड़ रहा था जिसके चलते बहुत ही ब्राइटनेस ज़्यादा आ रहा था। तो चलिए अब समुद्र का व्यू वगैरह दिखाता हूँ, क्या मौसम सा आ रहा था। तो हम सभी दोस्तों ने समुद्र में एंट्री ले चुका था क्योंकि समुद्र की जो भी बाउंड्री लाइंस होती है उसके अंदर अब लोग हम लोग अंदर आ चुके थे। तो यहाँ का सामने का व्यू दिखाता हूँ, क्या मौसम था। हम सभी पांचों दोस्तों ने यहाँ समुद्र के सामने बहुत ही औसम सा अब एंजॉय करने के लिए पहुंच चुके थे, तो सामने का व्यू देख सकते हैं कितना औसम सा आ रहा था। तो हम पांचों दोस्त यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आगे समुद्र की लहरों पे यहाँ जा रहे थे, देख सकते क्या औसम सा सामने का व्यू आ रहा था। और नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहना, ताकि समुद्र की सारी वीडियो लेके आऊँगा।